प्रेग्नेंट होना चाहती हैं लेकिन पता नहीं है कि करने के सही दिन कौन से हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाए लेकिन नहीं पता है कि सेफ डेज कौन से हैं और अनसेफ डेज कौन से हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और बहुत सी फीमेल्स को मैं हेल्प करती हूँ स्पेशली प्रेगनेंसी या कंसीव करने के लिए। आज इस वीडियो में बात करूंगी कि सेफ और अनसेफ डेज कौन से हैं और किन दिनों करना चाहिए और किन दिनों नहीं, ताकि आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएं। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चले। साथ साथ बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कनेक्ट करें, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। तो चलिए, मैं बात कर रही थी सेफ और अनसेफ डेज की। तो इसके लिए आप ध्यान से समझिए, मान लीजिए आपके वाइफ के या बीइंग अ फीमेल आपके जो पीरियड्स डेज हैं वो होते हैं 10 से 15 तारीख को, हर महीने की 10, 11, 12 तारीख में शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास एक टेंटेटिव डेट है 10 तारीख को। 10 तारीख के बाद हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे 5 दिन। ये 5 दिन क्या हैं? ये 5 दिन आपके फ्लो डेज हैं, मतलब जब आपको पीरियड्स होते हैं। कई फीमेल्स में 2 दिन की होती है, 3 दिन की होती है, 4 दिन की होती है, 7 दिन की होती है, जो एक एवरेज पीरियड्स डेज की ड्यूरेशन है। तो मान लीजिए आपको पीरियड्स 5 दिन के होते हैं, जो कि 10 तारीख से 15 तारीख तक आमतौर पर हैं। तो अगर हम सेफ डेज की बात करें तो 15 से 5 दिन ऊपर और 10 से 5 दिन पहले, मतलब 5 तारीख महीने की से 10 तारीख तक जब पीरियड शुरू होने वाले हैं, से जब वो खत्म हुए 15 से 20 तारीख, मतलब 10 से लेकर 20 तारीख आप लोगों के लिए सेफ है। इस टाइम पर यूजुअली सेक्स करा भी जाए, अनप्रोटेक्टेड भी, तो भी कंसीव होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। बहुत से कपल इसे कैलेंडर मेथड कहते हैं, बहुत से कपल कैलेंडर मेथड ही यूज करते हैं और सेफ डेज को समझते हैं और इसी समय करते हैं, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होती और कंसीव भी नहीं होता। लेकिन अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मेरे वो कौन से डेज हैं जब मैं करूं, तब आपके पास जो अनसेफ, मतलब जो प्रेग्नेंट होने वाले दिन हैं, वो हो गए उस महीने की 20 तारीख से 30 या अगले महीने की 5 तारीख से पहले, मतलब जो आपके ये एंड के 10-12 दिन हैं वो आपके हाईली प्रेग्नेंट डेज होते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया है। डिपेंड ये करता है आपका फ्लो कितने समय का है और आपकी डेट क्या है। देखो, अगर आप 10 तारीख को मान के चल रहे हो तो 2-3 दिन आगे पीछे हो सकती है। हमेशा समझना है कि जब आपको लगे मेरी डेट आने वाली है, उससे 5 दिन पहले अगर आप करेंगे तो बेबी नहीं होगा, और डेट खत्म होने के 5 दिन बाद तक भी करेंगे तो बेबी नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 दिन के बाद करती हैं और पिछली डेट स्टार्ट होने के 5 दिन से पहले करती हैं, तो वो हाई पीक टाइम होता है बेबी होने का। साथ साथ अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो सेफ डेज कौन से होते हैं या फिर अनसेफ, मतलब प्रेगनेंसी के डेज कौन से होते हैं, तो आजकल मार्केट में ओव्यूलेशन किट के नाम से छोटी सी यूरिन किट्स मिलने लग गई हैं। ये किट्स क्या होती हैं? एक छोटा सा वाइट कलर का प्लास्टिक होता है जिसके ऊपर आपने अपने सुबह के यूरिन की 2 बूंद डालनी होती है। ये बूंद डालते ही वो आपको बताता है कि आज आपका हाई ओव्यूलेशन डे है या नहीं। जब आप उस दिन में करेंगे तो आपको समझ में आता है कि आज मुझे करना है या नहीं करना है। ऐसे धीरे धीरे आपको खुद के डेज समझ में आने लगेंगे। ऑल्दो फीमेल्स को भी पता होता है कि उनके पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं, बॉडी PMS जिसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, वो देने लग जाती है, तो वो जो बिल्कुल होने से 5-4 दिन का टाइम होता है वो एब्सोल्युटली सेफ कहा जाता है। ऑल्दो हर किसी की बॉडी अलग है,
हर किसी की जो हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, अंडा निकलने का टाइम अलग होता है, हर किसी के पीरियड्स डेज अलग है, तो 100% सिक्योरिटी कहीं नहीं है, तभी हम कॉन्डम्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, मोस्ट ऑफ दी कपल कैलेंडर मेथड यूज करती है और अच्छा भी रहता है, सेफ भी रहता है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी। कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। साथ साथ मेरी नई वीडियोस के लिए जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना होगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। और अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है और मेरी साइकोलॉजी वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें मेरा नया चैनल साइकोलॉजी सीखो। इस चैनल पे अपना प्यार देते रहें, नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।